हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं ऐसे टॉपिक्स आपको बताऊंगा कि आप अगर एक सेफ्टी सुपरवाइजर हो और एक सेफ्टी ऑफिसर हो या फिर मैनेजर भी हो, तो आपने क्या करना, अपने कंपनी या जहां पे आप काम कर रहे हो तो वहां पे आपको कुछ ऐसे जो टॉपिक्स हैं जिसमें आपको डेली बेसिस या आप वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस में ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हो, तो उस ट्रेनिंग में क्या ऐसे टॉपिक्स होने चाहिए जो हम डिलीवर कर सकते हैं, सो दैट, क्योंकि एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट करती है आपकी इंडस्ट्री में आप क्या काम कर रहे हो, आपकी जो टीम है वो क्या काम कर रही है, आपके जो वर्कर्स है वो डेली बेसिस में क्या टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो सारे टॉपिक में डिस्कस करूंगा और उसमें थोड़ा सा आपको ये भी इलेबोरेट करूंगा कि उस टॉपिक में हमने क्या क्या डिस्कस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो टॉपिक लिया आज का HSC टॉपिक, ठीक है, इस टॉपिक में हम क्या करेंगे कि जो भी आप डिस्कस कर रहे हो तो आपने क्या करना है डेली बेसिस पे, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं नंबर वन, मशीनरी इक्विपमेंट सेफ्टी। अब दोस्तों ये कंपलसरी है कि आपकी इंडस्ट्री में मशीन किसी भी टाइप का यूज हो सकता है, मैकेनिकल हो या फिर हैंड से रिलेटेड जो ऑपरेट कर रहे हो, तो उसके रिगार्डिंग आपने देना। अब मशीनरी मतलब बहुत से मशीनरी पार्ट होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, कंस्ट्रक्शन में भी होता है और फैक्ट्री के अंदर भी होता है, तो जितना भी रोटरी पार्ट होता है उसका आपने इंडिविजुअल ट्रेनिंग देना है। सो नंबर वन, दिस इज अ मशीनरी ट्रेनिंग। तो मशीनरी ट्रेनिंग का आपको प्रॉपर हजार्ड प्रिकॉशन और कैसे वर्क परमिट अप्लाई करना सब कुछ अप्लीकेबल हो जाता है, राइट। सो नंबर वन थिंग्स आपने अप्लाई करना है दिस मशीनरी सेफ्टी, राइट। सेकेंड बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अगर आप करने जाओगे तो कोई एक सिंपल टॉपिक नहीं है कि आपने हैंडलर्स पहनना, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हो गई। उसके लिए एक स्पेशल वर्क परमिट होता है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का, ठीक है। शटडाउन के टाइम पे जब उसको रिस्टार्ट किया जाता है तो हमें सारा सेफ्टी प्रिकॉशन लेना पड़ता है। अब एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कभी पोल पे जाके काम करता, उसके अगेंस्ट हमें प्रिकॉशन लेना, ठीक है। तो वर्कर जो हमें डेली बेसिस में वर्कर्स क्या करते हैं, जो अननेसेसरी काम होता है, कभी चाल कनेक्शन गया वायर का तो उसको यहां से वहां रिमूव कर देना, कभी लूज कनेक्शन उसको टच कर देना, तो ये सारे काम होते हैं वर्कर्स के। तो हमें एक बेसिक सेफ्टी देना कि इलेक्ट्रिकल शॉक से रिलेटेड क्या होता है, किसी को शॉक लग गया तो CPR कैसे देना, ये सारी ट्रेनिंग देनी चाहिए, राइट। CPR वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिकल शॉक लग गया, वर्कर्स आधा जिंदा है, सांस भी नहीं ले पा रहा है, तो CPR की ट्रेनिंग दो, फर्स्ट एड में वो सारा कुछ आ जाएगा। तो फर्स्ट एड ट्रेनिंग भी है, लेकिन इलेक्ट्रिकल शॉक, तो इलेक्ट्रिकल ट्रीटमेंट चार्ट भी होता है, वो आपको जहां पे इलेक्ट्रिकल हजार्ड है वहां पे आपने डिलीवर करना, मेंशन करके रखना। तो ये सारी चीजें आपने बतानी है किसमें दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में। अगली बात करते हैं दोस्तों अर्गोनॉमिक। अब अर्गोनॉमिक क्या है, अब इसको बात सुनो। अर्गोनॉमिक तो एक पोजीशन है हमारा जो हम काम करते हैं डेली बेसिस पे। मान के चलो अर्गोनॉमिक सेफ्टी क्या है, कोई वर्कर हाइट पे जा रहा है तो सबसे पहले हम उसका वर्टिगो टेस्ट ले लेते हैं। तो अर्गोनॉमिक सबसे पहले आप समझ लो क्या होता है अर्गोनॉमिक। तो अर्गोनॉमिक मतलब हमारी एक वर्किंग पोजीशन है, किसके लिए, तो कोई भी वर्कर्स काम कर रहे हैं तो मान के चलो कोई भी मटेरियल को पुश करना, उसके लिए अर्गोनॉमिक सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, आप जो सुपरवाइजर हैं, कुछ इंजीनियर हैं जो ऑफिस में बैठ के भी काम करते हैं, तो वहां पे भी हमारा अर्गोनॉमिक एप्लीकेबल होता है, तो ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग में हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों कन्फाइंड स्पेस। अभी बताइए कन्फाइंड स्पेस क्या जरूरी है ट्रेनिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कंस्ट्रक्शन साइड में हो तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके यहाँ पे कन्फाइंड स्पेस है कि नहीं। अब कन्फाइंड स्पेस होता क्या, कोई भी एक चैम्बर हो, आपका टैंक भी हो सकता है, डिएरेटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप टैंक के अंदर जा रहे हो, किसी टनल के अंदर जा रहे हो, तो हमारा कन्फाइंड स्पेस में आ जाता है। तो मेक श्योर कन्फाइंड स्पेस भी एक आपका टॉपिक होना चाहिए, राइट। सो मेक श्योर। एंड अगली बात करते हैं फॉल प्रोटेक्शन। फॉल प्रोटेक्शन क्यों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं वर्कर हाइट की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब कोई भी वर्कर हाइट पे काम करता है तो उसकी प्रोटेक्शन के अगेंस्ट हम क्या क्या प्रिकॉशन लेते हैं। तो ऑब्वियसली हम डेली टूल बॉक्स स्टॉक देते हैं, तो उस मॉर्निंग टूल बॉक्स स्टॉक में ये बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हाइट पे जाओ तो फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस पहनो, उसके बाद हमें एंकरिंग भी करना चाहिए। तो उसके लिए फॉल प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या हमारे पास सेफ्टी प्रिकॉशन होना चाहिए, तो ये भी आपने ऐड करना अपने इस ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगली बात करते हैं दोस्तों वर्क एट हाइट। तो वर्क एट हाइट फॉल प्रोटेक्शन दोनों हमारा सेम है, तो वर्क एट हाइट पे जाओगे तो फॉल प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या हमारे पास इक्विपमेंट्स होना चाहिए, फुल बॉडी हार्नेस, लाइफ लाइन हो गया, रिट्रैक्टेबल फॉल अरेस्टर, सबके बारे में आपने
कंफर्म और यहाँ पे डिलीवर करना है ट्रेनिंग। उसके बाद करते हैं फायर सेफ्टी। दोस्तों फायर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों फायर ट्रेनिंग मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इंडस्ट्री में ओवरनाइट एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कभी फायर हो जाता है, तो उस केस में सेफ्टी ऑफिसर वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर करने नहीं आएगा, कोई सुपरवाइजर नहीं आएगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ही होता है जो अगर उसको आपने प्रॉपर ट्रेनिंग दी है तो वो फायर को एक्सटिंग्विश कर पाएगा। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। दोपहर का टाइम था, लंच के टाइम में एक वेल्डर कर रहा था काम और ऑयल था उसके पास में, आग लग गई। वेल्डर को नहीं पता था कैसे एक्सटिंग्विश करते, लेकिन एक वर्कर था उसको पता था, उसको मैंने ट्रेनिंग दिया था, तो उसने बुझाया। बुझाने के बाद आया, सर आग लग गई थी और मैंने बुझाया ऐसे ऐसे करके, हमें प्राइज मिलना चाहिए। तो मैंने बोला जरूर प्राइज मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो हमें मिस नहीं करनी चाहिए। अगली बात करते दोस्तों फर्स्ट एड ट्रेनिंग की, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब फर्स्ट एड ट्रेनिंग की बात करूं तो फर्स्ट एड के अंदर सब कुछ आपको देना, डिलीवर करना। तो फर्स्ट एड क्या हो सकता है, किसी को चोट लग गई, माइनर फर्स्ट एड भी होता है, तो उसके रिगार्डिंग आप ट्रेनिंग दो। कभी किसी को हीट स्ट्रेस लग गया तो कैसे आप उसको रिकवरी देना है, रिकवरी पोजीशन में कैसे लेके आना है, सीपीआर कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। किसी वर्कर्स को चक्कर आ गया तो कैसे हमें उसे नियरेस्ट या हमारे मेडिकल तक पहुंचाना है, तो ये हमारा फर्स्ट एड के इसमें आ जाए। तो फर्स्ट एड का अगर देखना चाहते हो वीडियोस तो मैंने बहुत प्यार से डाला है फर्स्ट एड सीपीआर के बारे में, आप वहां पे देख सकते हो बड़े प्यार से, ठीक है। अगली हम बात करते हैं एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्सीडेंट होने के बाद इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, कभी कभी इंसिडेंट भी हो जाता है, तो वो टॉपिक भी आपने यहाँ पे ऐड करना होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो हमारी जो डेली बेसिस में जो भी काम होता है उन सारे टॉपिक्स को लिखना। अगली बात करते हैं दोस्तों एमरजेंसी प्लान। एमरजेंसी प्लान मतलब इन केस कभी कुछ फायर हो गई या फिर कोई केमिकल रिलीज हो गया आपके इंडस्ट्री में, तो इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान होना चाहिए। आपको यह बताना है इसमें कि जब भी कुछ ऐसी कोइंसिडेंट होता है बिल्डिंग के अंदर या फिर ऑन प्रीमाइसेस में, तो हमें अपने असेंबली, नियरेस्ट असेंबली पॉइंट है वहां पर जाना होगा। तो असेंबली पॉइंट क्या होता है यह आपने पता होना चाहिए, ठीक है। अगली बात करते हैं दोस्तों हॉट वर्क परमिट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हॉट वर्क परमिट क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना होगा। हॉट वर्क परमिट मतलब कि कहीं भी वेल्डिंग से कटिंग का काम चल रहा है तो आपने यहाँ पे चीजें अप्लाई करनी होगी, ठीक है। तो एक टॉपिक आप देख सकते हो हॉट वर्क परमिट। अब अगली बात करते हैं दोस्तों एग्जिट प्लान, एमरजेंसी एग्जिट प्लान। तो आप इसको एमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान या फिर एग्जिट प्लान। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन साइट में हम क्या करते हैं, एमरजेंसी कॉट फायर होने की वजह से हमारे पास एमरजेंसी डोर्स होते हैं जहां से हम बाहर जा सकते हैं, तो ये सारी ट्रेनिंग आपने डिलीवरी करनी पड़ती है दोस्तों, ठीक है। अगली बात करते हैं स्काफोल्डिंग। तो स्काफोल्डिंग डेफिनेटली आप कंस्ट्रक्शन साइट में हो तो स्काफोल्डिंग का यूज हो रहा होगा। अब स्काफोल्डिंग के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं, तो उस स्काफोल्डिंग को ट्रेनिंग में आपने डिलीवर करना है। कभी कभी क्या होता है आप कंस्ट्रक्शन साइट में वीकली एक मंडे को आप 9 बजे से 10 बजे आप स्काफोल्डिंग ट्रेनिंग दे रहे हो, स्काफोल्डिंग आपने बना रखा हुआ सारा बेस से लेकर टॉप लेवल तक बता रहे हो, तो ये भी एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है, राइट। अगली बात करते हैं दोस्तों हैंड एंड पावर टूल्स। डेफिनेटली हैंड पावर टूल से रिलेटेड भी एक्सीडेंट होता है, तो हैंड और पावर टूल के अंदर ग्राइंडिंग मशीन भी आ जाता है, आपने कोई भी इक्विपमेंट ड्रिलिंग भी कर रहे हैं तो वो सारा कुछ हमारा आ जाता है हैंड एंड पावर टूल्स। तो इसे भी ऐड करिए अपने टूल बॉक्स या मॉर्निंग ट्रेनिंग जो दे रहे हैं उसमें। अगली बात करते हैं फोर्कलिफ्ट। तो डेफिनेटली आज आप इंडस्ट्री में हो तो मैन्युअली काम ना करके आप फोर्कलिफ्ट का यूज करते हो मटेरियल को लिफ्ट और शिफ्ट करने के लिए, राइट। अब ईओटी क्रेन हर जगह काम नहीं कर सकती, ईओटी क्रेन तो हमने एक लोकेशन पे फिक्स कर दिया, लेकिन फोर्कलिफ्ट उस मटेरियल को लेके डंप कर सकता है, वहां से लेके आ भी सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फोर्कलिफ्ट सेफ्टी भी आपने देनी है, तो इसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ तो आप देख सकते हो फोर्कलिफ्ट में क्या क्या ट्रेनिंग हमें डिलीवर करना चाहिए। हीट स्ट्रेस की बात करते हैं, तो हीट स्ट्रेस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि गर्मियों के समय में वर्कर जो काम करते हैं उनके बॉडी से पसीना निकलता रहता है, ठीक है। तो हमें उसे रिकवर करना, तो आपने ये सारी चीजें देनी है फर्स्ट एड के दौरान, बताना कि एक इंसान को कितना पानी पीते रहना चाहिए, ठीक है, कैसे हमें अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाना, ये सारी चीजें हमें देनी है इस हीट स्ट्रेस के अंदर, ठीक है। एक्सरसाइज क्या दोस्तों, आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज कराते हो वर्कर्स को, नहीं कराते तो कराना शुरू कर दो। अगर ये काम आप कर रहे हो मॉर्निंग में एक्सरसाइज या कोई भी एक्टिविटीज या योगा कराते हो वीकली 1 टाइम्स, तो वर्कर्स का जो माइंड होगा डाइवर्ट होगा आपके इस ट्रेनिंग में और दे विल एनर्जाइज, ठीक है, उसको एक एनर्जी ज्यादा फील होगी। तो मैं ये अपनी इंडस्ट्री में कराता था, तो आपसे भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भी अपनी इंडस्ट्री में ये चीज कराइए। मोटिवेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मोटिवेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हो, उस मोटिवेशनल के दौरान किसी वर्कर्स को आप प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये टॉपिक भी आपने ऐड करना। उसके बाद हम केमिकल सेफ्टी की बात करें, तो डेफिनेटली आपकी इंडस्ट्री में केमिकल जरूर यूज हो रहा है, चाहे वो HCl हो, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे वो सल्फाइड हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपने केमिकल सेफ्टी को भी ऐड करना है अपने ट्रेनिंग पर्पस के लिए। अभी बात करते हैं लैडर, डेफिनेटली लैडर का भी यूज होता है, चाहे वो एक्सटेंशन लैडर हो, चाहे ए टाइप लैडर हो, कोई भी लैडर हो, तो लैडर सेफ्टी भी आपने ट्रेनिंग में ऐड करना है। अगली हम बात करते हैं दोस्तों हाउस कीपिंग। 70% आपका जो एक्सीडेंट होता है पुअर हाउस कीपिंग की वजह से होता है। तो अगर आपने इस टॉपिक को ऐड कर लिया, हाउस कीपिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाउस कीपिंग की भी हमारी एक इंडिविजुअल टीम होती है, और आपको बताना है कि 5S क्या होता है, ठीक है। तो हाउस कीपिंग में सारा कुछ आ जाएगा, काइजन क्या होता है, ये सारी ट्रेनिंग आपने डिलीवर करनी होती है। अगली बात करते हैं दोस्तों लैडर हो चुका हमारा। अगली हम बात करते हैं परमिट टू वर्क सिस्टम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी काम टास्क हो रहा है तो वर्कर्स को आप बताओ आपके पास जो भी काम कर रहे हैं उसका परमिशन क्या है, परमिट है कि नहीं, क्योंकि वर्कर के पास वो अथॉरिटी होती है कि आपके पास कोई एक्सीडेंट होता है तो उस लीगल डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू हम आपको सेव कर सकते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्क परमिट डिफरेंट टाइप होता है, तो ये आप ट्रेनिंग में ऐड करिए। अगली हम बात करते हैं दोस्तों हीरा, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट, हीरा की ट्रेनिंग। अब देखो आप वर्कर्स को ये ट्रेनिंग नहीं दे सकते, राइट? क्यों नहीं दे सकते, उसको समझ में नहीं आएगा। तो आप जब मंथली SCM करते हो, सेफ्टी कमेटी मीटिंग, तो उसमें आप इसे हीरा दे दीजिए, JSA दे दो, जॉब सेफ्टी एनालिसिस। मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक वेल्डर कोई ग्रैंडर हो गया, उनको आप जॉब हजार्ड एनालिसिस बता रहे हो, ठीक है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, तो उसके रिगार्डिंग आप ट्रेनिंग दे सकते हो। अगर आप कंस्ट्रक्शन में हो तो रोड सेफ्टी भी एक ऐसा टॉपिक है जो हम ऐड कर सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो SCM के अंदर जो सेफ्टी कमिटी मीटिंग होती है, तो इसके अंदर आपने ये सारे टॉपिक भी रख सकते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मंथली जो आप हर महीने 25 तारीख या 26 तारीख को अगर आप मंथली सेफ्टी कमिटी मीटिंग देते हो, तो उसके अंदर वो सारे टॉपिक आप ऐड कर सकते हो जो हमारे ओसास होते हैं ऑडिट पर्पस के लिए। तो ऑडिट के दौरान हम सारा कुछ ही ऐड कर सकते हैं, उसमें आप स्लाइड बनाइए और ट्रेनिंग डिलीवर कीजिए, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, HSE टॉपिक जो मैंने आपसे डिस्कस किया। और भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं, ठीक है, तो ये मैंने वो एजेंडा बजाया जिसमें हमारा मेन फोकस रहना चाहिए। उसके बाद बहुत सी ट्रेनिंग होती है, वो हम ट्रेनिंग वन बाय वन सीखते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, और फिर मिलते हैं ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।